सभी को मिस यूनानी का नमस्कार। मैं एक मॉडल होने के साथ एक सिंगर भी हूँ। एंड आज के दौर में बेशक महिला किसी से कम नहीं है, वह मर्द की कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। हमारे पीएम मोदी सर जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर एक बात भूल गए, बेटी की सुरक्षा की। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के साथ बेटी की सुरक्षा भी उतनी मायने रखती है। एंड आजकल के दौर में कॉम्प्रोमाइज शब्द बहुत ज्यादा यूज हो रहा है लेडीज के लिए। एंड कॉम्प्रोमाइज शब्द पर बैन लगाना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज के शब्द ने आड़ में लड़कियों का शोषण किया करता है। एंड महिलाओं को इज्जत से जीने का हक देना चाहिए। सिर्फ महिला दिवस मनाने से महिला का सम्मान नहीं होगा, महिलाओं की इज्जत करनी पड़ेगी। महिलाएं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, बिकॉज वे एक मर्द को जन्म देती हैं, जिस पर मर्द अपने आप पर गौरव करता है कि मैं एक मर्द हूं, जबकि वो और भी जन्म देती है मर्द को। तो सबसे ज्यादा गर्व एक औरत को होना चाहिए जिसने उसको जन्म दिया। औरत सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, औरत ही दुर्गा है, औरत ही काली है, औरत ही एक आदि शक्ति है। एंड औरत को अपनी अंतर्शुद्धि शक्ति के बारे में जानना चाहिए और नारी शक्ति जिंदाबाद। थैंक यू। एंड एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज मैंने इसलिए यूज किया, मैंने काफी सारे मूवीज एंड काफी सारे ब्रांड ज़ारा मुफ्ती इनको रिजेक्ट किया है, क्योंकि जो डीलर्स है वो कॉम्प्रोमाइज के लिए कहते हैं। दैट इज व्हाई आई मैंने कहा इसकी वुमेन डे पे इसकी मैं स्पीच दूं, इसलिए मैंने सोचा। लाखों के प्रोजेक्ट थे, आई हैव रिजेक्ट फॉर दिस। नारी कभी किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी।